अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज जयपुर में महर्षि पतंजलि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान योग प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न योग गुरुओं का सम्मान किया गया। आज विश्व स्तर पर राजस्थान के उन मूर्धन्य विद्वानों को जिन्होंने योग के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य किया है उनको महर्षि पतंजलि सम्मान से सम्मानित किया है। इसमें योग गुरु डाकाराम जी, डॉक्टर शेखर शर्मा जी और डॉक्टर अभिनव जोशी, ये तीनों विद्वान अलग अलग क्षेत्रों में पूरे जयपुर के अंदर योग का प्रचार प्रसार के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। इन तीनों प्रतिभाओं को सम्मानित करके हम स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इस प्रकार की प्रतिभाओं को आगे लाने से समाज में एक संदेश जाता है कि योग का जो प्रचार प्रसार है वो और तेजी से होगा। योग के क्षेत्र में योग के द्वारा भगाए रोग का जो मैं नारा देता हूँ कि करें योग रहे निरोग, तो इसी प्रकार से हम सभी जनों को समाज को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे दैनिक जीवन में योग को अपनाकर। अगर हम 1 घंटा योग करेंगे तो हम बाकी के 23 घंटे अपने जीवन के अच्छे बिता सकते हैं। तो इसी प्रकार सभी जनों को ये कहूँगा कि एक बार नियमित रूप से योग का अपना आज संकल्प लेके अपना लें और योग को अपने जीवन का अंग बनाएं। मैं हमेशा बोलता हूँ वी कांट चेंज एनीबडी, योग चेंज एवरीवन। हम किसी को बदल नहीं सकते लेकिन योग सबको बदलता है। तो सिर्फ 21 जून को ही हम योग का उत्सव नहीं बनाएं, मैं सब लोगों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप रोज़ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना चाहिए, हमको 21 जून का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो अभी से आप शुरू हो जाएं और निर्णय करें कि बिना योग करें हम नाश्ता नहीं करेंगे या बिना योग करें हम खाना नहीं खाएंगे। प्रतिदिन योग करें और जो पतंजलि महर्षि पतंजलि का सूत्र है स्थिर सुखम आसनम, उसके ऊपर अपना नियम से उसको करें और अपने आसन में स्थिरता से गहरी सांस लेके बैठें तो निश्चित रूप से आप निरोगी रहेंगे और इसको आप रेगुलर कीजिए।